सब्सक्राइब टू न्यूटेक एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल, बेल आइकन पर क्लिक करें और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखें। भारत की 70% आबादी गांवों में बसती है, जिसकी आजीविका मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। ये जनसंख्या के बदलते स्वरूप का ही परिणाम है कि वर्तमान में लगभग 86% किसान छोटे और सीमांत हैं। उनके पास पर्याप्त काम करने योग्य हाथ तो हैं, पर दूसरे संसाधन जुटाने में वे असमर्थ हैं तथा नई नई कृषि तकनीकों को अपनाने से भी वे वंचित रह जाते हैं। ऐसी स्थिति में उनके जीवन स्तर को किस तरह ऊपर उठाया जाए और किस तरह जो कृषि प्रणाली वे अपना रहे हैं उसमें सुधार किया जाए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। छोटे और सीमांत किसानों की कृषि प्रणाली संबंधित समस्याओं का समाधान और आर्थिक उन्नति के अनुसंधान कार्य के लिए भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई। संस्थान की प्राथमिकता विभिन्न कृषि प्रणालियों की उत्पादकता, जीवन क्षमता एवं समस्याएं जानने के लिए उनका अभिलक्षणन करना, कृषि परिस्थितियों के लिए कुशल, आर्थिक रूप से टिकाऊ समेकित कृषि प्रणाली के प्रमाप एवं प्रतिरूप विकसित करना। मोदीपुरम मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान ने छोटे और सीमांत किसानों के लिए प्रभावशाली कृषि पद्धति विकसित की है। कृषि क्रियाओं की समग्र रूप से देखभाल एवं सुदृढ़ प्रयोग करना कृषि प्रणाली प्रबंधन कहलाता है। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान ये मोदीपुरम में है, और उसका जो मैंडेट है छोटे और मझोले किसानों के लिए कृषि प्रणालियाँ विकसित करना, जिससे कि उनकी जीविका का उपार्जन सही प्रकार से हो सके। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में सबसे बड़ी फायदे की बात यह है कि इसमें कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता है। एक हमारा कंपोनेंट है डेयरी, उसका गोबर, उसका मूत्र से हम खाद बनाते हैं, उसको हम फिशरी पॉन्ड में वहाँ डाइवर्ट कर देते हैं, मछली बेच के आय आ गई है, और उस जो पानी को हमने इकट्ठा किया हुआ था उस पानी को ज़रूरत के समय हम फसलों को उगाने के काम में लाते हैं, और जो फसलें हैं वो हमारे किसान परिवार के साल भर के खाद्य एवं पोषण की आवश्यकता को पूरी करती है। इस प्रणाली के अंतर्गत पशुओं को कृषि अवशेषों द्वारा पोषित किया जाता है और पशु शक्ति कृषि क्रियाओं के लिए एवं ईंधन कार्बनिक खाद के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इस प्रकार एक उद्यम का बेकार पदार्थ दूसरे उद्यम के लिए आगत का कार्य करता है और वातावरण भी दूषित नहीं होता। तो जो किसान कर रहा है उसको बिना कोई नई चीज जोड़े हम उसके जो उत्पादन है उसमें क्या कमियां हैं, उन चीजों को जान के जो पैदावार ले रहा है और जो पैदावार हमारी लेनी चाहिए उसको कैसे दूर किया जाए, हमारे पास जो वैज्ञानिक तकनीकियां हैं उसको हम किसान को जो है उसके खेती में लगा के जो कुछ भी किसान आज कर रहा है उसमें हम क्या नई चीज़, क्या नया अवयव जोड़ सकते हैं जिससे कि उसकी जो है जो आज आमदनी ले रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके। विभिन्न किस्मों के प्रशिक्षण द्वारा समन्वित कृषि प्रणाली का अभिप्राय प्रक्रिया कार्य पद्धति एवं कृषि व्यवसाय से जुड़े सभी घटक जैसे फसलों उत्पादन, पशुपालन, बागवानी, मछली पालन, मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन एवं वर्मी कंपोस्ट आदि के बारे में संबंधित विद्वानों द्वारा तकनीकी एवं व्यवहारिक जानकारी दी जाती है। वर्षा के समय पानी का संचयन हम कर सकते हैं, उस पानी को संचयन करके हम आगे खेतों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पशुधन का जो मल मूत्र बेकार जाता है वो सीधा तालाब के अंदर आने से पानी की गुणवत्ता उर्वरकता बढ़ती है, उस गुणवत्ता उर्वरकता बढ़ने से प्लवक पैदा होते हैं, जो प्लवक जो है मछली का भोजन बनते हैं। आप उस पानी को प्रयोग कर सकते हैं अपने बागवानी के हेतु, आप उस पानी का प्रयोग कर सकते हैं अपनी किचन गार्डन, जो आपने पीछे एक सब्जी का बागान लगाया है छोटा अपने परिवार की पूर्ति के लिए, साथ ही साथ आपका जो खेत तालाब की मेड़ है मेड़ पर आप सब्जियाँ लगा सकते हैं, आप पपीते के पेड़ लगा सकते हैं, अमरूद के पेड़ लगा सकते हैं। खेती के साथ साथ एक अन्य दो व्यवसाय आपके साथ जुड़ते हैं, एक मत्स्य पालन और एक मुर्गी पालन, और वो अतिरिक्त आय के स्रोत होते हैं उतनी ही जमीन पर जितनी आपके पास उपलब्ध है बगैर कोई अतिरिक्त खर्च किए हुए।
ये एक ऐसी पद्धति है जिसमें किसान आर्थिक रूप से बेहतर हो सकते हैं, स्थायी आजीविका कमा सकते हैं और साथ ही अपने संसाधनों का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। IIFSR पूरे भारत में विभिन्न स्थानों पर समन्वय इकाई के माध्यम से एकीकृत कृषि प्रणाली के अनुसंधान पर कार्य कर रहा है। हमारा लक्ष्य है कि हम खेत से ही पोषक तत्व, खरपतवार प्रबंधन, कीट और रोग प्रबंधन की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। हमने अपने शोध के माध्यम से पाया है कि अगर किसान अपने जैविक प्रबंधन के लिए बाजार आदानों पर निर्भर करता है तो उसकी खेती की लागत 20% तक बढ़ जाएगी। हमारी संस्थान ने एकीकृत कृषि प्रणाली मॉडल विकसित की है जिससे सभी फसलों की 80-90% पोषक तत्वों की आवश्यकता को कृषि प्रणाली से ही पूरा कर सकते हैं। कैन बी मेट विद इन द सिस्टम। इस संस्थान की बदौलत आज देश में छोटे और सीमांत किसान समन्वित कृषि प्रणाली और बहुउद्देशीय कृषि प्रणाली का इस्तेमाल कर रहे हैं। एकीकृत या समन्वित कृषि प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें किसान अपनी जोत के हिसाब से कृषि मॉडल को तैयार करता है। आज देश के हजारों किसान भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान के दिशा निर्देशों के अनुसार ऐसा कर रहे हैं। इससे किसानों की आय में वृद्धि हो रही है और उन्हें स्थायी आजीविका हासिल हो पा रही है। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान देश में फसल प्रणाली के विभिन्न पहलुओं पर अत्यंत उपयोगी काम कर रहा है। क्षेत्र विशेष नई फसल प्रणाली, बेहतर उत्पादकता और लाभ, संसाधनों की उपयोग क्षमता, फसल प्रणाली आधारित पोषक तत्व और संसाधन प्रबंधन आदि पहलुओं से संबंधित जानकारी उत्पन्न की गई है। प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग कृषि आय को बढ़ाने और कृषि के सतत विकास के लिए पूर्व अपेक्षित है। आधुनिक कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में नई प्रौद्योगिकी को अपनाने हेतु किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे किसान इष्टतम तरीके से प्राकृतिक संसाधन विशेष रूप से भूमि एवं पानी का उचित इस्तेमाल करते हैं। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान कम भूमि में किस तरह किसान अपने संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है ताकि किसान अपने खेतों की मिट्टी और जरूरतों के अनुसार फसल ले सकें। जाहिर है समन्वित कृषि किसानों के बेहतर भविष्य की परिकल्पना है जिसे भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान देश के किसानों के साथ मिलकर साकार कर रहा है।